अस्सलाम वालेकुम। आज ईद का दूसरा दिन है, तो ईद उल फितर का दूसरा दिन आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। कैसा रहा आपका आज का, कल का दिन यानी कि पहला दिन कैसा रहा, और आज आप लोगों की क्या क्या प्लानिंग्स हैं? आज जनाब मेरी प्लानिंग्स तो ये हैं कि मैंने अम्मी के घर जाना है, आसपा वहाँ पे आई हुई है, बच्चों से वहाँ पे मिलना है, सबसे ईद मुबारक करनी है। कल मेरे घर बहुत ज़्यादा गेस्ट थे तो मुझे मौका नहीं मिला जाने का, और जाहिर सी बात है कि जब आपकी शादी हो जाती है, आपके घर पे जब मेहमान आते हैं और आप घर के होम मिनिस्टर होते हैं, तो थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है आपको। तो घर के जो मशर फिर होते हैं वो एकदम धड़ल्ले से नहीं निकल सकते, स्पेशली जब उनके घर में मेहमान होते हैं। तो मेरी सिचुएशन भी कल ऐसे ही रही, काफ़ी बिज़ी मैं हो गई हूँ बिल्कुल तैयार, और शफीक साहब जो हैं वो भी नहाने धोने के लिए गए हुए हैं, तैयार हो रहे हैं, और हमारे जो बच्चे हैं वो जनाब अभी तक सो रहे हैं। ये देखिए, तो बच्चे हमारे सो रहे हैं और बच्चों के जो माँ और बाप है वो तैयार हो गए, रेडी हो गए हैं। न्यू जनरेशन है, देखिए जनरेशन गैप मैटर करता है। सो साथ साथ मैं किचन में देखूंगी, क्योंकि बाबा को मुझे खाना देना है। बाबा के लिए मैंने यहाँ पे कबाब निकाल के रख दिए हैं, क्योंकि बाबा जल्दी खाना खाते हैं, तकरीबन 11 बजे तक, और अभी टाइम हो गया है तकरीबन 9:15। लेकिन घर के कामकाज मैंने सारे कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बस अब खाने का देखना है और उसके बाद मुझे निकलना है आसमां के लिए यानी अम्मी के घर। वहाँ पे सब भतीजे भतीजियाँ मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, और इस शाही सवारी में बैठने का कोई अपना ही अलग ही किस्म का मज़ा है, और साथ में हो ईद भी तो क्या ही बात है। हाँ जी, हम अबू के घर आ गए हैं और नीचे कुछ मेहमान आए थे तो हम ऊपर आ गए हैं। मेरे ख्याल से आसमां भी ऊपर होगी, खामोशी तो है काफ़ी, ये पब्लिक तो सो रही है। एक रूम में तो मेरी भतीजियाँ सो रही हैं, इस रूम में देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हो रहा है? यहाँ भी लोग सो रहे हैं, मैं जल्दी आ गई हूँ, 11 बज रहे हैं, ईद का दूसरा दिन है और ये लोग सो रहे हैं। ये दरवाज़ा नहीं खुल रहा, ऊपर सब सो रहे हैं, नीचे जाते हैं, शायद रास्ता नीचे है, लगता है नीचे भाभी के मेहमान आए हैं, भाभी की बहनें, अम्मी और उसके भांजे। तो कितनी ईदी चाहिए, कम वाली के ज्यादा वाली? कम वाली या ज्यादा वाली? कम वाली किसको चाहिए? चलो सही है, ठीक है, मेरे पास ये एक नोट, ये दो नोट, ये तुम्हारे लिए और ये तुम्हारे लिए और ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए और ये इसके लिए, पर मुझे कब दोगे? इसके लिए भी, और मैं तुम्हें तुम्हारा दूंगी और ये तुम्हारा सूट के साथ दूंगी डबल। हां, हाँ आसमां, ये जो है तो हलवा जो है कहाँ से लाई हो? ये तो मुल्तान का हलवा लग रहा है मुझे। जी जी, ये मुल्तान का सोहन हलवा, ये आया तो मेरे लिए था। हाँ, लेकिन खाएंगे हम इससे। हाँ, लेकिन मैंने कहा चलो मैं अपने मायके जा रही हूँ तो अच्छा, ये डिब्बा पूरा मुझे दोगी या आधा? क्योंकि वो शफीक उस दिन कह रहा था कि मुल्तान का हलवा, मैंने कहा डीआई खान का चाहिए वो तो मैं मंगवा देती हूँ, तो अब ये तुम क्या करोगी, पूरा दोगी या आधा दोगी? नो कमेंट्स, ये इसमें नो कमेंट्स। अच्छा, ये आसमां मुझे अपनी तैयारी दिखा रही थी, ये मेरी चूड़ियां हैं। हाँ, ये मेरे स्टाइलो के, ई स्टाइलो के, ठीक है ना, ये मेरे स्टाइलो के इयर रिंग्स हैं। हाँ, वाह वाह, ठीक है। और यार तुम्हें वैसे ब्रांड वाले बहुत ठगू लगाते हैं। हम अमीर लोग हैं, पैसे, पैसों के दरख्त हैं मेरे घर, कोई फर्क नहीं पड़ता, अमीर हम लोकल लोकल लोग हैं, लोकल चीजें खरीदते हैं सस्ते में, अच्छी वाली चीजें। गरीबो गरीबो गरीबो, ये देखो समझदार, ये मेरी चूड़िया है, ठीक है ना, और ये मेरे बोरजान,
देखो देखो ब्रांड को जो है ना वो तुमने प्रमोट नहीं करना मेरे व्लॉग में। अच्छा ब्रांड ये गलत बात है, मैं अपनी अमीरी बता रही हूँ लोगों को, मैं कितनी अमीर हूँ। अच्छा इसका कलर अच्छा है ना, मजे का कलर है। ये मेरे ड्रेस के साथ मैच है। और देखो काफी सॉफ्ट भी है ये जूता, काफी सॉफ्ट है। गुड नाइस। और अब आसमान ये पहन के, ये सब पहन के गाँव जाएगी। ओ वाओ अमेजिंग, सो स्ट्रेंज। क्योंकि प्लान ये है कि पहले हम जाएंगे अपने प्यारे अबू की कब्र पर, उनसे मिलने दुआ करेंगे, उसके बाद आलिया खान पाकिस्तान की जान का ये प्लान है कि हम रास्ते में अच्छे अच्छे स्पॉट्स देख के वहाँ फोटो शूट करेंगे। और इसने भी इनकार नहीं किया, इसने भी कहा ठीक है ठीक है। ऐसी बात है, अब मैंने इतना खर्चा किया, इतने पैसे लगाए, तो मैं वैसे जाया कर दूँ, तस्वीरें तो फिर बनानी है ना, जाहिर सी बात है। सही, अच्छा कपड़े तो हमारे कहा है, मेन चीज तो तुमने दिखाई नहीं है। वो इसी करने गए। चलो कपड़े आ जाए तो फिर चले। अभी हम तैयार होते हैं और उसके बाद तैयार होने के फौरन बाद आसमा की लोग आपको चेक करवाते हैं। हाँ जी, अब हम गांव जा रहे हैं, अबू से मिलने जा रहे हैं, अबू की दुआ के लिए जा रहे हैं। और मेरी प्यारी सी भांजी अमल मेरी गोदी में बैठी है। अमल बोलो ईद मुबारक, बोलो ना। नहीं बोलती, मूड नहीं है अमल का, अमल का मूड नहीं है। और मोहम्मद हमारे साथ बैठा हुआ है और हदीद बैठा हुआ है और आसमा जी जो है वो ड्राइविंग कर रही हैं। और रास्ते में मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी हैं ना हमने देखा जनाब कि लोग इतने एक्साइटेड के साउंड सिस्टम जो है वो सरों पे उठा के आसपास कह रही है किरण डैम की तरफ जा रहे होंगे, वहाँ पे पार्टी कर रहे होंगे क्योंकि ईद है। लेकिन चले अच्छा है, ये चीज़ें भी बंदे को देख के तो खुशी का एहसास दिलाती हैं और इस चीज़ का एहसास भी दिलाती हैं कि ईद है। ईद का दूसरा दिन था, ट्रैफिक इतनी ज़्यादा नहीं थी, खामोशी खामोशी सी थी क्योंकि एक दो दिन लोग अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं तो इसलिए सब लोग तकरीबन घरों में ही होते हैं, एक दूसरे के घरों में होते हैं, तो रोड पे इतनी ज़्यादा रश नहीं थी। और ये रहा मेरा गांव। सरसब्ज़ और शादाब। और गांव तो किसी भी इंसान की रूट्स होती हैं ना, उसे एक उनसियत मोहब्बत पता नहीं क्यों होती है पर होती है। और ये हम अबू से मुलाकात के लिए आ गए हैं। ईद के अलावा भी जब जब मौका मिलता है अबू से मिलने आ जाते हैं। और यहाँ पे आके यूँ लगता है जैसे अबू से बहुत सारी बातें हो गई हैं, वो सारी बातें जो अगर वो ज़िंदा होते हम उससे करते, तो यहाँ पे आके ऐसे ही लगता है कि दिल की वो सारी बातें अबू से हमने कर ली हैं और अबू ने हमें सुना, ना सिर्फ सुना बल्कि उन्होंने हमें जवाब भी दे दिया, तो दिल को बहुत एक तसल्ली सी हो जाती है, दिल बहुत मुतमईन हो जाता है यहाँ पर आके अबू से मुलाकात करके। गंदम की जो फसल थी वो कटाई के लिए बिल्कुल पक के तैयार हो चुकी थी और इसे आप कह सकते हैं कि सुनहरी बालियां ये लगी हुई थी खेतों में। तो यहाँ पे गाड़ी से उतर के हमने थोड़ा सा अपनी पिक्चर्स बनाई, वीडियोस बनाई और हमने कहा चलें यहाँ पे एंजॉय कर लेते हैं। गंदम की जो फसलें हैं वो पक के तैयार हैं और अब जो ईद ख़त्म होगी तो ईद के बाद इनकी कटाई भी शुरू हो जाएगी। लास्ट मुझे याद है कि रमज़ान में ही गंदम की कटाइयाँ शुरू हो गई थी, जिसे हम और पंजाब में भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि लव करना है, लव नहीं लव। आसमा का फोटो शूट चल रहा है वहाँ पे, मेरा तो हो चुका है। गांव की सबसे खूबसूरत और दिलचस्प बात ये होती है कि यहाँ पे सब आपके अपने होते हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं। और अगर आप शहर में रहते हैं या अपने गांव में नहीं रहते या आप शहर से दूर हैं, अपने गाँव से दूर हैं, अपने इलाके से दूर हैं, तो यहाँ पर जितने भी लोग आपको मिलेंगे आपसे सलाम दुआ करेंगे, आपको ईद मुबारक बोलेंगे, आपसे हाल चाल पूछेंगे और आपको कहेंगे कि हम तो आपको जानते हैं, आप तो हमारे अपने रिश्तेदार हैं, क्योंकि हम सब एक ही गांव के होते हैं, तो बहुत चाहते हैं, बहुत मोहब्बतें, बहुत उनसियत गांव में हमें मिलती है। शायद यही वजह है कि गांव में दिलचस्पी हमेशा से कहीं ज़्यादा रहती है, लाइक मुझे तो बहुत रहती है, यकीनन आप में से बहुत सारे लोगों को भी रहती होगी। जी तो दोस्तों आज का व्लॉग आपको ये किरण बहुत अच्छा, बहुत मज़ेदार, बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और अगर आपको अच्छा लगा है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो चलें जी, खुश रहें, आबाद रहें, बिल्कुल अपने खर्चे पे, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।